Hello, friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will discuss the newspaper for 11th of January 2021. So, let us start with the Hindu front page. So, very important news on the front page Q3 private investment in manufacturing jumps 102%. So, quarter three yaniq, october to december 2020 the quarter. private investment in manufacturing has jumped 102%. so that actually shows a lot of recovery in the economy. data, so many data is being declared by various offices. discussed that uh, the national statistics office, it has released the new gdp data according to which the gdp for 2020-21 is going to contract by 7.7%. विच इज़ बेटर दैन द अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ क्लोज टू टेन परसेंट सो नाउ ऑल्सो दिस पर्टिकुलर डेटा हैज़ बिन लॉन्च्ड जिससे कि हमें पता चलता है कि क्वार्टर थ्री में हंड्रेड एंड टू परसेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दर्ज की गई है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट रिवाइव हुई है दैट शोज मोर एम्प्लॉयमेंट इज बींग जनरेटेड मोर कैपिटल इज बींग जनरेटेड एंड जी डी पी इज गोइंग टू बी रियली गुड और इसमें से सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है दो स्टेट्स में हुई है इन महाराष्ट्र एंड इन आंध्र प्रदेश तो कैपिटल इनफ्लो जो है इट इज़ अ गुड क्राइटेरिया टू मेजर द रिकवरी ऑफ एन इकोनॉमी सो दिस न्यूज इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको ये न्यूज पढ़नी है देन मूविंग अहेड। सेकेंड न्यूज अगेन इम्पॉर्टेंट ऑन द फ्रंट पेज रिलैक्स डिटेंशन नॉर्म्स टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स से गवर्नमेंट तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये एक डायरेक्टिव या एक यू कैन से एक डायरेक्शन इशू की है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि उन्हें अपने अपने स्टेट्स में डिटेंशन नॉर्म्स को रिव्यू करना चाहिए नाउ व्हाट इज़ अ डिटेंशन नॉर्म डिटेंशन का मतलब होता है इफ अ पर्सन डज नॉट इफ अ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास डज नॉट गेट द मिनिमम पासिंग परसेंटेज मार्क्स तो वो उसी क्लास में डिटेन कर लिया जाता है दैट इज़ नोन एज डिटेंशन तो राइट टू एजुकेशन में भी ये प्रोविजन है कि एक पर्टिकुलर थ्रेश ऑफ मार्क्स है अगर उससे कम किसी स्टूडेंट के आते हैं तो वो अगला साल भी उसी क्लास में उसको रहना पड़ेगा विल नॉट बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को डायरेक्टिव दिया है कि सभी स्टेट्स इस पॉलिसी को री करें बिकॉज इन द कोविड इंड्यूज लॉकडाउन इस साल जो टीचिंग और लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल लाइक इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड थिंग विच हैज़ नेवर बीन सीन और विटनेस्ड इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड तो इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है तो सभी स्टेट्स को अपने डिटेंशन नॉर्म्स रिलैक्स करने चाहिए दैट मीन्स आइदर द एग्जाम सेटिंग प्रोसेस शुड बी वेरी ईजी दिस ईयर और द डिटेंशन नॉर्म्स हैज टू हैव टू बी रिलैक्सड सो इवन अ पर्सन हु इज गेटिंग अ स्टूडेंट हु इज गेटिंग लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास एंड शुड बी गिवन एडिशनल चांसेस फॉर क्लियरिंग द एग्जाम क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया देन देयर विल बी लार्ज स्केल ड्रॉप आउट्स इन द स्टेट्स क्योंकि ऑलरेडी जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत मुश्किल से हमने पिछले कोई कई सालों में कंट्रोल किया है अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट क्योंकि अगर एक बार मास लेवल पे स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ेल कर दिए गए या फिर उन्हें डिटेन कर लिया गया पिछली क्लास में देन इट मे लीड टू लार्ज स्केल ड्रॉप आउट्स विच इज़ नॉट वट द गवर्नमेंट वार्ड्स तो इसलिए उन्हें मल्टीपल चांसेस दिए जाएं एडिशनल चांसेस दिए जाएं इनोवेटिव मैथड से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए सो दैट दिस पर्टिकुलर गैप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग दैट हैज़ बीन द नॉर्म फॉर द लास्ट नाइन टू टेन मंथ्स शुड बी टेकन इन अकाउंट तो इसलिए उनसे जो आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं दे शुड भी अबिट लोअर देन वट इज एक्सपेक्टेड उनको लोअर किया जाए रीजनेबल लेवल पर किया जाए एज पर दिस इज रियलिटी तो ये इंपॉर्टेंट है एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्सट राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो डिटेंशन पॉलिसी है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देट देन मूविंग अ हेड टू द एडिटोरियल पेज पेज नंबर एट इसमें पहला एडिटोरियल है गियरिंग अप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर होने शुरू हो जाएगी फ्रॉम सिक्सटींथ ऑफ जनवरी सो इन दिस एडिटोरियल दे हैव ट्राइड टू इंस्ट्रक्ट और दे हैव ट्राइड टू एडवाइज द स्टेट स्टेट मीन्स गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को एडवाइज करने की कोशिश की है दैट The government should inspire confidence in the people, should try to win the trust of the people that this process it is totally transparent how this is going to pan out so that people can exhibit trust in the government so that this scheme can become a success. So, this vaccination drive this is already going to be one of the largest vaccination drives in India ever and in the entire world also. So,

वो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए दैट इज़ वट दे हैव सेड इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल मूविंग अहेड टू द सेकेंड एडिटोरियल फेल्ड बाय फायर तो महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से टेन इन्फेंट्स हैव डाइड दस जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं दे हैव डाइड सो इस आर्टिकल में अगेन स्टेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को डिस्कस किया गया है क्रिटिसाइज किया गया है और ये कहा गया है कि ऐसा जब भी कोई इंसिडेंट होता है देन देर इज अ देर इज एन एफर्ट एट द इलेवंथ हावर एंड देर इज डैमेज कंट्रोल ऑलवेज जबकि जो स्टेप्स लेने चाहिए वो प्रिवेंटिव लेवल पे होने चाहिए यानी कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होने से पहले उसे रोका जाना चाहिए बट इन इंडिया वी ऑलवेज वेकअप आफ्टर सम क्राइसिस हैज़ हैपन्ड तो इसमें वो बताया गया है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव होना चाहिए एंड यू शुड रीड दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टूडे इज दिस प्लानिंग एंड एग्जिट आउट ऑफ द इजी मनी रिज्यूम देखिए ये वैसे तो एक जनरल टॉपिक के ऊपर आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमी में मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर यह आर्टिकल है बट आई हैव टोल्ड यू दैट आईदर द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रीड दैट आर्टिकल या फिर दूसरा रीजन होगा इफ द राइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट देर आर सर्टन राइटर्स जिनके आर्टिकल आपको मिस नहीं करने चाहिए वन सच राइटर इज मिस्टर डी सुबर राव डी सुबह राव A former governor of Reserve Bank of India. So the article likha hai, Monetary Policy Committee. Pe. So since he is an authoritative voice on monetary policy, so this article is important. Ho jata hai. Similarly, if any union minister is writing some article, you should read it. If a former union minister or politician is writing, like a, a politician who has a background in that field, for example, Dr. Tharoor writing an article on foreign policy, you have to read that. or you can say suhasini haider as i have already told you writing any article on foreign policy so there are certain authors which whose articles and whose pieces you should not miss so you should you should read this Is rbi monetary policy it has to find a balance between controlling inflation and ensuring growth in this particular tumultuous time because this year has been unprecedented as far as basically for every field बट स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमी तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है काफी सारे इसमें सजेशंस दिए गए हैं हाउ आर बी आई कैन टेक ऑन दिस चैलेंज दैट दिस पर्टिकुलर ईयर हैज पोस्ट तो ये आपको आर्टिकल पढ़ना है हैड पेज नंबर इलेवन चाइनीज़ बिल्डअप एट एल ए सी क्लियरली विजिबल से लद्दाख काउंसिलर तो इंडो चाइना कॉन्टेक्सट में जो लद्दाख में ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइनीज साइड पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं दे आर सॉलिडिफाइंग देयर प्रेजेंस अक्रॉस द बॉर्डर उसके ऊपर ये न्यूज़ है काफ़ी देर से इशू जो है ये डोमेंट हो गया है नाउ बोथ द साइड्स इंडिया एंड चाइना दे हैव फ्रोजन एट द बॉर्डर्स दे आर लाइक दे हैव सॉलिडिफाइड दे आर सिमेंटेड देयर पोजिशन अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो काफी देर बाद इसमें ये मूवमेंट है यू शुड रीड दिस न्यूज टू सी द रियलिटी कि लेटेस्ट इसमें क्या हो रहा है तो ये न्यूज आपको वैसे पढ़ लेनी है वेन ऑन द वर्ल्ड पेज यस ऑन द वर्ल्ड पेज देर इज वन इम्पोर्टेंट न्यूज यस द न्यूज इज दिस कत हेड टू सऊदी अरेबिया आफ्टर रीओपनिंग ऑफ बॉर्डर तो ये दिखने में सिंपल सी न्यूज लगती है बट इसकी बैकग्राउंड ये है दैट कतर एंड सऊदी अरेबिया दे हैव नॉर्मलाइज़ देयर टाइज दे हैव साइंड अ ट्रीटी दे हैव साइंड अग्रीमेंट एक्चुअली नॉट अ ट्रीटी दे हैव साइंड अग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप अगेन तो काफ़ी देर से इनमें टसल चल रही थी नाउ दे आर दे हैव अगेन साइंड द पीस ट्रीटी एंड नाव देर इज़ पीस बिटवीन कतर एंड सऊदी अरेबिया तो मिडल ईस्ट में ये थोड़े से डायनामिक्स आपको समझने हैं शिया कंट्रीज़ कौन सी हैं सुन्नी कंट्रीज़ कौन सी हैं ज़्यादातर मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो किन कंट्रीज़ के किन कंट्रीज़ के साथ हैं और उसका ग्राउंड क्या है फॉर एक्जाम्पल ईरान इज़ वन पावर सेंटर ऑफ पावर इन द मिडल ईस्ट एंड सऊदी अरेबिया इज़ अनदर सेंटर ऑफ पावर ऐसा क्यों है बिकॉज वन इज़ अ शिया मेजॉरिटी कंट्री अनादर वन इज़ अ सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री एंड देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल